क्या दोस्तों आप भी बिजनेस करना चाहते हैं? आपके पास बिजनेस आइडिया नहीं है, आप ये सोच रहे हैं मैं कौन सा बिजनेस करूं जिस बिजनेस में मैं फ्लॉप ना हूं, मैं कौन सा बिजनेस करूं जिस बिजनेस में हमारी पूंजी वेस्ट ना हो और उस बिजनेस को हम शुरू करें जिस बिजनेस में हम एक साल दो साल में भी बेचेंगे तो भी वो बिजनेस का प्रोडक्शन या जो हमने बिजनेस शुरू किया है वो माल खराब नहीं होगा। तो दोस्तों आज हम आप लोगों से ऐसा ही एक बिजनेस शेयर करने वाले हैं जो आज की भी नीड है, आने वाले समय की भी नीड है और ये बिजनेस कभी फेल नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। तो इस बिजनेस करने में कितने खर्चे आएंगे, इस बिजनेस को हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के शुरू करें या मार्केटेड बाय शुरू करें या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय शुरू करें, कैसे बिजनेस से शुरुआत करें, कौन कौन से कागजात की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, ये बिजनेस को हम कैसे मार्केट में अपना ब्रांड बनाएं, ब्रांड बनाने के क्या क्या प्रोसीजर है, इसकी क्वालिटी कैसे रखें, ये सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मान्य दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आप लोगों के पास लाए हैं आज के मॉडर्न जमाने की एक ट्रेवलिंग बैग जिसको कहते हैं, ऑफिस बैग जिसको कहते हैं। हम कहीं भी आते जाते हैं तो हमको क्या चाहिए, अपना सामान ले जाने के लिए एक बैग चाहिए जिसमें हमारी जरूरत की सारी नीडें आ जाए और उस बैग की कलर और क्वालिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो दोस्तों इससे रिलेटिव हम आज आपके पास बिजनेस लाए हैं। तो आज आप देखते होंगे इसके लिए हम आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज है तो हमको बिजनेस चॉइस करने में आसानी हो जाएगी, किस बिजनेस में हम करियर बनाएं। तो दोस्तों बिजनेस में आप हमारे साथ 10 से 12 मिनट का समय दीजिए, हम सारी जानकारी आप लोगों से शेयर कर देंगे। हमारा 20 से 25 साल का क्या 30 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट क्षेत्र का, यानी कि मेडिसिन से लेकर के और तमाम क्षेत्रों का हमने जो भी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों से शेयर करते हैं, रियलिटी शेयर करते हैं। ये नहीं कहते कि इस बिजनेस में आप पैसे झोंक दीजिए, भर भरा के पैसे आएंगे, पैसे कुछ नहीं आएंगे जब तक खुद आप हाथ पैर नहीं मारेंगे, जब तक खुद आप अपने अंदर बिजनेस करने की कला नहीं सीखेंगे। इसलिए कोई भी बिजनेस करने के पहले आप वीडियो हमारा देखें या ना देखें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम सारे रियलिटी बताते हैं, झूठा का झूठी की जो है झूठा और झूठी अफवाहें नहीं देते हैं कि आप इतना पैसा कमा सकते हैं। पैसा आप कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर सेल्स करने की कला नहीं होगी, धैर्य नहीं होगा, आप नहीं कमा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे, हम इसमें बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक ब्रांड नेम चाहिए, लेकिन उसके पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करें या थर्ड पार्टी बनवाएं, ये तीनों का अंतर जान लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या होता है, आपको सारे मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, आपको जो है प्रोडक्शन टीम करना पड़ेगा, लेबर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, स्पेस की जरूरत पड़ेगी। और मार्केटेड बाय में क्या है, आपको एक ऑफिस लेना पड़ेगा, छोटा सा कमरा लेना पड़ेगा और जो जरूरी कागजात है उसको बनवाना पड़ेगा, वहां से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या है दोस्तों, सेम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से ये होता है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई है, उनसे आप जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इतना हमको प्रोडक्शन करवाना है, ये हमारे रॉ मटेरियल हम खुद लेके आएंगे, क्वालिटी का आपका हमको प्रोडक्शन टीम चाहिए और मशीनरी उपयोग करना है, तो उस ढंग से आपसे वहां पे डील हो जाती है, आप अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों मार्केटेड बाय में और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आपको क्वालिटी दोनों में मिलेगी, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया हम क्यों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें, 10-20 लाख रुपए शुरुआत में वेस्ट करें, अभी हम मार्केटेड बाय प्रोडक्ट बनवा करके मार्केट में इसको बेचें, मार्केट सेल्स की कला सीखें। जब हमारे अंदर मार्केट की सेल्स की कला आ जाएगी, मार्केट में जो बेसिक प्रॉब्लम आ जाएगी वो सॉल्व करने की हमारे अंदर कला आ जाएगी, तो हम बिजनेस को शुरू करेंगे तो कभी बिजनेस में फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों क्या चाहिए, अब चलिए, आपने कभी बैग खरीदा होगा, उसमें क्या देखा होगा, आप दुकानदार से पूछते होंगे, भैया पहले तो आप वहाँ शोरूम में गए या शॉप में गए तो आपने बैग का कलर देखा और डिजाइन देखा। जब आपके कलर और डिजाइन आपके दिमाग में बैठ गया, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, तो आप क्या देखते हैं, उसका चयन इधर उधर करके देखते, कहीं चयन तो नहीं खराब हो, आप उसको दुकानदार से बोलते भैया इसका चैन तो नहीं जल्दी खराब होगा, इसके कपड़े तो जल्दी नहीं फटेंगे, मजबूती है इसका, जो है टांगने वाला टंगना तो नहीं टूटेगा, ये सब पूछते हैं। तो क्या चाहिए आपको, कलर चाहिए, प्रोडक्ट और बैग की क्या चाहिए,
बढ़िया से अट्रैक्टिव डिजाइन चाहिए, कलर और डिजाइन वर्ल्ड क्लास की होनी चाहिए, उसमें चैन जो लगा हो बेस्ट क्वालिटी का लगा हो, उसमें जो रिक्शीन कपड़े की बैग बनी है वो बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। ये आपका मेन हो गया ब्रांड पॉपुलर करने के लिए, ब्रांड की क्वालिटी बनाने के लिए ये चीज़ें मेन हो गए। अब आपको क्या चाहिए, आपको वहाँ देखे होंगे एक बड़ा बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, या आप कभी सुने होंगे फला बैग बहुत अच्छी होती है, भला कंपनी की बैग बहुत अच्छी होती है, इस नाम की बैग बहुत अच्छी। तो वहाँ पे क्या निकल के आया, एक कंपनी का लोगो और एक नाम आपके सामने आया। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी और तो कलर च्वाइस करके आपने रख लिया फर्स्ट, दूसरा हो गया ब्रांड नेम और लोगो, जिससे आपकी आपके प्रोडक्ट की पहचान होगी। तो ब्रांड नाम आप अपने इच्छा अनुसार चॉइस कर सकते हैं, उसका आपको एक अच्छे से किसी डिजाइनर से लोगो डिजाइन करवाना है जिससे पॉपुलर होगा। अब आपको ब्रांड नेम और लोगो का क्या करना है दोस्तों, कॉपीराइट यानी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है। ये क्यों, क्योंकि जब कल का आपका प्रोडक्ट पॉपुलर होगा कोई और इसकी डुप्लीकेटिंग ना कर ले, इसलिए आपको इसको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड दोस्तों 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो दोस्तों ये आपके ब्रांड नेम हो गए, लोगो डिजाइन हो गया, अब आपको कुछ जरूरी कागजात की जरूरत पड़ेगी। तो जरूरी कागजात बनने के लिए आपको एक स्थान की जरूरत पड़ेगी, एक कमरे की जरूरत पड़ेगी। एक कमरा आप किसी शहर सिटी में ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, या इसको आप दोस्तों घर से भी कर सकते हैं, कमरा छोटा बड़ा कोई भी हो चल सकता है। अब इस कमरे को ऐसे तो कागजात मिलेंगे नहीं, यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको इसको एक ऑफिस का लुक देना पड़ेगा। ऑफिस का लुक आप अपने ढंग से बजट के हिसाब से दे सकते हैं। अब आपने ऑफिस का लुक दे दिया, आपका ऑफिस मेंटेन हो गया, अब इसी ऑफिस में कुछ डिजिटल टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि लैपटॉप या डेस्कटॉप। लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। तो जीएसटी बिल निकालने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी। ये आपके ऑफिस रेडी हो गए, लेकिन ये सब आपको दोस्तों तब करना है जब इसको आपको पूरे इंडिया में स्टेट या वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस करना है। अगर वैसे बिजनेस करना है तो ये सब कोई कागजात की जरूरत नहीं है, आप बनवाइए बेचिए और पैसे कमाइए। लेकिन जब आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है, आपको इसी में अपना करियर बनाना है, आपको इस प्रोडक्ट से 10 प्रोडक्ट बनाने हैं, बैग के सारी साइजें बनानी है, बैग को कई टाइप में आपको लॉन्च करना है, बड़े लेवल पे करना है, तो एक कागजात की जरूरत पड़ेगी। अब आपका दोस्तों क्या हो गया, ऑफिस रेडी हो गया, ऑफिस में डिजिटल टूल्स रेडी हो गए, अब इसी पे कुछ रिक्वायरमेंट लाइसेंस कुछ कागजात की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट क्या है, जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर दोस्तों आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है फॉर्म फिलअप करने में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो जिससे आपका रिजेक्ट हो जाए, इसलिए इसको आप ना खुद करके जो फेल टैक्स में एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू आप ले सकते हैं। आपको इसको दिलवाने के लिए अपने कुछ चार्ज आपसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या और चाहिए, जीएसटी नंबर मोस्ट कंपलसरी है, हो गया है, आपका ब्रांड नेम लोगो हो गया है। अगर अब आपको लगता है कि हम बड़े लेवल पर कर रहे हैं, आपके पास बजट है, तो आप कंपनी की एमडी या सीईओ कहलाना चाहते हैं, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां तीन कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब आपके क्या हो गए, ब्रांड कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर आपके पास पैसा है, आपको पैसे की कमी है, तो पैसा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको सरकार की स्टार्टअप नीतियां बहुत सारी चल रही हैं, उसका आपको फायदा लेना है, तो उसका प्रॉफिट लेने के लिए आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा के सरकार की जितनी भी स्टार्टअप नीतियाँ चल रही हैं उसमें से जो आप लायक हो उसका प्रॉफिट आप ले सकते हैं। इसके लिए आप नियर मी बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके इसकी संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। अब आपके दोस्तों सारे कागजात रेडी हो गए हैं, आपने ब्रांड का सब कुछ डिजाइन कर लिया है, अब आपको किससे बनवाना है इसको देखना है। इसके लिए आप अपने जिले में जाएंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, इसके लिए आपको पांव मारना पड़ेगा, पांव चलाना पड़ेगा, कुछ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, आपके घर पे ऐसे सब कुछ नहीं आ जाएगा। तो इसके लिए आप अपने ज़िले में बात करेंगे, कभी कभी तो छोटे छोटे तहसीलों में भी बैग बनाने वाले पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे देखिए, नहीं तो आपके पास
स्मार्टफोन ही है, उसमें नेट पैक होगा ही। आप गूगल पे जाइए, वहां पे टाइप करिए थर्ड पार्टी या मैन्युफैक्चरर बाइक कंपनी, तो सारी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां भी है थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन वहां पे आपको ज़्यादा मात्रा में बनवाना पड़ेगा, तो इसलिए आप छोटी कंपनी को पकड़िएगा। ये दवा नहीं आप बनवा रहे हैं, बस क्वालिटी का बनवा रहे हैं, तो उनसे भी क्वालिटी मिल जाएगा। क्वालिटी में क्या, उसके हमने जैसे बताया, उसके चैन बढ़िया होने चाहिए, उसके कपड़े रेक्सिन बढ़िया होने चाहिए, और डिजाइन तो आप खुद उनको दे रहे हैं। तो दोस्तों वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। जो आपके नियर में पड़ता हो वहाँ विजिट करिए, विजिट करने के बाद उनसे बात करिए कैसे से हमको क्वालिटी बनवाना है। तो आप मार्केटर भाई ऐसे बनवाना चाहते हैं या आप कॉन्ट्रैक्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप रेक्सिन वगैरह सब आप खुद खरीदिए। इसके लिए भी आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, खोजने की ज़रूरत है। नहीं तो आप जिससे बनवाएंगे वो सारे मटेरियल उनके पास रखा रहता है, किस क्वालिटी का आप मटेरियल यूज करते हैं उसी हिसाब से वो आपको रेट बताएंगे। तो हाँ, आप इस ढंग से बनवा सकते हैं। तो आप अभी वहाँ पे 1500 बाइक बनवा करके अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपके पास बजट है। सबसे ज़्यादा जो हमने शुरू में बताई थी, कड़वाफत, आपके बेचने की कला होनी चाहिए। अगर बेचने की कला है तो आप सफल होंगे, नहीं तो सफल नहीं होंगे। आप 1000-10000 पीस बनवा के ऐसे रख दीजिए, कोई मतलब नहीं होता। तो इसके लिए आपको, अब आपका माल बन के आपके ऑफिस में आ गया, अब इसको बेचने की ज़रूरत। तो आज बेचने के हमारे बहुत सारे डिजिटल है दोस्तों, जैसे डिजिटल जमाना है, 80% लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उस पर आप अपना लॉगिन आईडी बनवा लीजिए, क्योंकि आपके पास सारे कागजात ही हैं। तो वहां पे कैसे बेचें, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहां से देख करके आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। अब आप ऑनलाइन बेचने के लिए आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, जैसे सेल्फ मैन रखना पड़ेगा, मैनेजर रखना पड़ेगा, और हर एक डिस्ट्रिक्ट तहसील में आपको एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर फिर देना पड़ेगा। ये एक हो गया ऑफलाइन सेल्फ का चयन, इस चयन के माध्यम से आप बेच सकते हैं। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो, आपके पास बजट कम है तो ये सारी कमान आप अपने हाथ में लीजिए, खुद आप इस सेल्फ मैनेजर बन जाइए, सेल्फ मैन बन जाइए, कंपनी की MD सब कुछ आप ही होकर के मार्केट में अपने ब्रांड की ब्रांडिंग कीजिए। अब प्रोडक्ट को अपना ब्रांडिंग करने के बहुत सारे टूल्स है, डिजिटल माध्यम है, न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया है, होल्डिंग बैनर, आप अपने ब्रांड के जितने ब्रांडिंग करेंगे, क्योंकि क्वालिटी का प्रोडक्ट आपका ही है, जितना आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे उतना आपका प्रोडक्ट ब्रांड बनेगा, उतने बड़ा ब्रांड बन के आपका सामने लोगों के बीच जाएगा, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, धीरे धीरे लोग ही आपका ब्रांड का पॉपुलर करने लगे। इस ढंग से दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जब आप सेल्फ की कला सीख जाए, बेसिक नॉलेज आपके आ जाए, तो इसी में बैग में बहुत टाइप के बैग होते हैं, ट्रेवलिंग बैग, बड़ा बैग होता है, छोटा बैग होता है, स्कूल बैग होता है, इसी तरह से बहुत सारे बैग जितने हैं, बैग की बहुत बड़ी रेंज होती है, मोबाइल के लिए बैग होता है, पैसे के लिए पर्स होती है, तमाम टाइप की होते हैं। तो आप इसमें अपना कैरियर, जितने आप घुसते जाएंगे उतने आपका कैरियर दिखेगा, उतने आपको लगेगा कि इसमें हम और अच्छा अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें हरदम फीडबैक लेना है आपके प्रोडक्ट से रिलेटिव, और इसमें और क्या क्या हम इनोवेशन करें ये भी आप देखते रहेंगे, तो आप कभी भी अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लगता है कि जानकारी सुन करके हमारे अंदर उत्साह है, हम बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, तो कम से कम 8-10 लोगों के पास जरूर शेयर करें, उनको भी ये जानकारी मिले, वो भी ये बिजनेस की शुरुआत करें और अपने सपनों को पूरा करें। आपने हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए तो लाइक कर ही दिया होगा, और इस बिजनेस करने से रिलेटिव जो भी जानकारी आपको चाहिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसको तुरंत आप तक पहुंचा देंगे। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के एक थैंक्स करते हैं, इससे हम बहुत उत्साहित होते हैं और अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, इस तरह से हर हफ्ते 1-2 वीडियो, और इस तरह से हमारी बहुत सारी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, वहाँ जाकर देख सकते हैं, और सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहेगी। आपने जो अपना अमूल्य समय निकाल के 10-12 मिनट का हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।